हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इस समय आप लोग हाई स्कूल की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 13.2 आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ये लास्ट नंबर क्वेश्चन आठवां। चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोला आकार मतलब गोल गोल कांच का बर्तन है, उसकी जो गर्दन, ये देखो दिख रहा है ना, गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ये जो ऊपर साइड मुंडी निकली है। कह रहा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी इस गर्दन की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है भैया बाबू, कितना है, 8 सेंटीमीटर है। आगे कहता है और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 2 सेंटीमीटर मतलब ये चीज 2 सेंटीमीटर व्यास है, यानी हमें व्यास से कोई मतलब होता नहीं कहने का। रेडियस बाबू इसकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर रेडियस, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ओके, कह रहे जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, यानी जो गोलाकार भाग है ये, इसका व्यास 8.5 है, ये पूरा पूरा कितना है बाबू, 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन मीन्स वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है। मीन्स इसमें दिया है, क्या दिया है भैया बाबू, इसका वी दिया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहे जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का वैल्यू जो है 3.14 रखा गया था। यानी इनका कहने का ये मतलब है कि जो बचवा ने आयतन बताया है वो सही बताया कि नहीं सही बताया है, ये आपको बताना है। चलिए कुल मिला के हमें भी वैल्यूम फाइंड करना है। लिखिए, पहले सुन लीजिए, गोलाकार कांच के बर्तन में आने वाले पानी की जो मात्रा है मतलब आयतन, वो गोलाकार बर्तन का आयतन और बेलनाकार बर्तन का आयतन दोनों के बराबर होगा ना, क्योंकि भाई जब पानी अगर इसमें पूरा भरा जाएगा तो गोला वाले में भी आएगा, इसमें भी तो भरेगा ना, पूरा भरेंगे तो, पूरा भरने की बात हुई है ना, तो इसका जो, इसमें टोटल जो पानी आएगा वो गोले में भी भरेगा ऊपर भी भरेगा। जैसे अगर कोई बर्तन ले लो जिसमें मुंडी निकली होती ऊपर, पहले हम लोग जो छोटे थे गगरा होता था हम लोग के घर में पीतल का, तो उसमें अगर पानी भरते हैं तो ऊपर तक पानी जाता है, ऐसा नहीं कि नीचे तलहटी में ही रह जाता है, ठीक है। तो जब इसका आयतन निकालेंगे तो ये तो गोले का आयतन निकलेगा और ये बेलन का आयतन निकलेगा, दोनों जोड़ेंगे तो टोटल होगा जितना इसमें पानी आ सकता है। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा। लिखिए, गोलाकार कांच के बर्तन में आने वाली पानी की मात्रा बराबर, इसे नोट करिए फट से, मैं इसको इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ, जल्दी लिख लीजिए। ये बराबर के बाद में ये दोनों जोड़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश में इसे लिखेंगे साथियों, अ बैलूम ऑफ वाटर इट होल्ड्स, बैलूम ऑफ वाटर इट होल्ड्स इक्वल बैलूम ऑफ स्फेयर प्लस बैलूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो बच्चों इसका फार्मूला लगा दोगे, वैल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर मतलब गोला, यानी 4/3 पाई आर का कितना हो जाएगा, क्यूब ना। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देना है, वो क्या है कि इसके लिए जो आर है हम कैपिटल मान रहे हैं, ठीक है, गोलाकार के लिए, और बेलनाकार के लिए हम स्मॉल आर लेंगे, ठीक है, जिससे दोनों के अंतर में मतलब आपको क्लियर रहे कि हाँ दोनों में अंतर है, डिफरेंस है थोड़ा बहुत। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसमें सारे मान आप रखिए फटाफट, इनको सोल्यूशन हम ऊपर करेंगे, ठीक है। इसमें एक काम कर सकते हो, वो क्या है, इसमें बाबू आप पाई कॉमन ले सकते हो, पाई कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बचेगा, 4/3 आर का क्यूब प्लस आर का स्क्वायर एच, ये बचेगा ना, इसमें इन सारे मानों को पुट कर दीजिए। चलिए आगे ऊपर साइड में ले चलते हैं, इसमें सबसे पहले आपको रेडियस मालूम होना चाहिए ना, रेडियस तो पता ही है, देखो जो सिलेंडर वाला है इसके लिए रेडियस बाबू 1 सेंटीमीटर है भैया, देखो यहां पर व्यास दिया दो ना, इसका व्यास 8.2 है, तो कैपिटल आर का जो वैल्यू होगा वो 8.2/2 होगा, क्योंकि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होती है, आधा होती है। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, वैल्यूम फाइंड कर रहे हैं टोटल बर्तन का, अगर ये वैल्यूम उतना आएगा जितना बच्चे ने निकाला है तब हम बोल देंगे कि हाँ बच्चा ने सही किया था,
नहीं आएगा तो बोल देंगे गलत किया था बचवा ने। चलो इसके बाद यहाँ हल करते हैं ऊपर, याद रहे यहां तक करने के बाद इतना पूरा ऊपर चलेंगे। तो पाई का मान रख लो बाबू 3.14 इंटू 4/3। देखो आर का क्यूब है और आर की वैल्यू 8.2 है, तो ये आप 8.2/2 ये थ्री टाइम करोगे ठीक है। फिर आर का स्क्वायर है, स्मॉल आर का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर कितना करोगे 1 रहेगा इंटू एच का मान 8 है, हाइट कितना है 8 है, देखो यहाँ पे ये 8 दिया था बाबू, इसका जो भुंडी है ऊपर गटई उसकी ऊंचाई 8 थी ठीक है। आइए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको इधर साइड कर दीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए प्यार से 3.14 जो भी है समथिंग। इसको हल करने के लिए हम ऊपर से दशमलव हटा देते हैं और नीचे 20 कर लें इसे। देखो कैलकुलेशन करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, इस तरीके से आप इसमें सम में कर सकते हो, ये 20 हो जाएगा क्योंकि ऊपर से दशमलव हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। ओके आओ चलो ये इतना हो गया, अब देखो ये कट जाएगा, 3 से इसको काट के देखो कटेगा क्या, 4 से काट के देखो कटेगा क्या, हाँ जो कटने वाला उसे काट दीजिए, 4 से इसे काटेंगे, 4 × 4 = 20। अब कुछ कटेगा क्या, 3 से इसे काटो, 3 × 2 = 6 बचेगा हो जाएगा 22, नहीं कटेगा ना कटेगा यार, ये 8.5 दिया था रेडियस क्या, एक मिनट रुको, सॉरी 8.5 दिया था बाबू, ये 8.5 दिया भाई यार, तभी तो फंस रहा है ये 8.5 है ना कि 2 है, यहाँ पे हर जगह फिर ये 8.5 हो जाएगा, 8.5 है यार, नहीं तो ये फंस रहा है तभी, ये भी क्या है 5 है। देखो थोड़ा सा इसमें भाई मिस्टेक हो रहा था, ठीक है बच्चे, अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना भैया, जो यहाँ पे डायमीटर दिया था उसी का हाफ तो होगा, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था। अब चलो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये ठीक है, 5 से कटेगा, 5 × 20 17 × 5 = 85, ये भी 5 से कट जाएगा 17 आएगा, और ये 5 × 20 ये कट गया था ना, कितना आया था 5 × 20, ये 4 से कटा था, 4 × 5 = 20, 5 से इसको काट दो 17 आएगा, ऊपर कितना बच रहा है 17 क्यों भाई 17 बच रहा है ना, गुणा करोगे 49 आएगा, 17 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 49 आएगा, नीचे 3 बच रहा है और 16 × 3 = 48 कितना आएगा 48 ना, नीचे आएगा 48 + 8/1, इनको कैलकुलेशन करना है आसान है, मजा आ रही ना, लिख लो मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ इतना हल करना है, आंसर आपका फाइनल आ गया है, इसको लिखो जल्दी करो। अब देखो डिवाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, भाग देना है ठीक है, भाग दे लोगे ना, चलो ये 3.14 इसको भाग दोगे तो 102.35 समथिंग ऐसे आएगा, देखे देख लो आप 48 से भाग कर लो +8, साथ ही मेरे इसको जब जोड़ दोगे बाबू तो ये 3.14 इंटू ये 1110 हो जाएगा, 1110.35 इनका मल्टीपल करोगे 2 और 2 = 4 अंक पर फाइनल में दशमलव लगेगा ठीक है, तो कितना आ जाएगा 346 समथिंग आएगा, 346 ना, करके देखो 346.999 और ये सेंटीमीटर में था तो सब सेंटीमीटर का क्यूब आएगा, कर लो जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं ना एक काम और कर सकते हो, वो क्या है ये जो इतना आ रहा है ना इसे एक पद में ऐसे भी लिख सकते हो 346.5 सेंटीमीटर क्यूब,
क्योंकि ये वन डिजिट बढ़ाया जा सकता है, आपने अगर सार्थक अंक कोटिमान पढ़ा होगा तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ गए ना? तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखो बच्चे ने जो आंसर निकाला था क्या इतना ही था? एक बार मैच करवा देते हैं, देख लो स्क्रीन पर जल्दी से ध्यान से फट से। बच्चे ने 345 निकाला था और ये 346 से थोड़ा अधिक आ रहा है, इसका मतलब लिख दीजिए बच्चा का आंसर जो था वो गलत था, सही नहीं था, बच्चा अभी बच्चा ही है। तो बच्चों इस तरह से आपका पूरा चैप्टर 13.2 खत्म हो गया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 13.3। इंतजार करिएगा और क्लास को शेयर जरूर करिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़ सके और कुछ बेहतरीन हो सके। तो शेयर करें खूब दबा के। आपका नया बैच बहुत जल्दी 15 जुलाई से आ रहा है, 15 जुलाई 2022 से नया बैच मिल जाएगा। कमेंट करना अगर आपको पढ़ना है। बच्चों कल से आपकी क्लास अगले चैनल पे होगी, आपको पता है। और हाँ ये टाइम देख लो क्लास का, जल्दी ध्यान देखो, दिख रहा है ना? चार क्लासे यूट्यूब पे फ्री चल रही, ध्यान से देख लो, क्लियर हो रहा है ना? दिख रहा है? ये सूचना थी सबसे महत्वपूर्ण। अगर आप 25 जून के पहले आप इस क्लास को देख रहे हैं तो इसे याद रखें, अगर बाद में देख रहे हैं तो ऑलरेडी आप उस पे आ चुके होंगे। चैनल नंबर 3 पे क्लासें होंगी। मिलते हैं फिलहाल, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। जय हिंद साथियों, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए।